हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रीजन एंड एम्पायर। तो चलो थोड़ी सी पहले बात करते हैं कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत कैसे की थी। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन ये बताना चाहूँगी कि जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े वो हमें ये बताते हैं कि क्या चेंजेस रहे हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े, अभी वो कोई भी टॉपिक हो, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, उससे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने हिस्टोरियंस और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि हिस्टोरियंस के सोर्सेज क्या थे। ठीक है, मतलब पहले उनके सोर्सेज क्या रहा करते थे और अब उनके सोर्सेज क्या है। फिर हमने पॉलिटिकल सोशल ग्रुप्स भी देखे कि उतने कितने चेंज आए, सोशली ग्रुप्स नए बनते गए, फिर जातीज जो है वो इवॉल्व हुई, वो एक नया जो है हमने टर्म पढ़ा जातीज के बारे में कि ये ग्रुप है जो इमर्ज हुए, राजपूत के बारे में पढ़ा। तो हमने बहुत सब पढ़ा, तो हम सिर्फ चेंजेस ही देख रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। तो ये थोड़ा वैसा है कि इसमें आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि अब भैया आप मिडिवल हिस्ट्री में आ चुके हो, तो आप बेसिकली इस पूरे चैप्टर में यही देख रहे हो कि 8th से 18th सेंचुरी तक क्या चेंजेस रहे हैं, जिसका मतलब कि 700 CE ले लो टू 1750 CE तक के कॉमन एरा, या फिर आप AD जिसे बोलो। ठीक है, आई होप आपको डेटिंग सिस्टम बताओ, कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ये जो पीरियड है, तो हम ये पूरे 1000 इयर्स को इस पूरे टेक्स्ट बुक में कवर करने वाले हैं। अब मैंने ये क्यों इसलिए बोला कि मैं थोड़ा जो है रिकैप क्यों करवा रही हूँ आपको, क्योंकि अभी जो है रीजन एंड एम्पायर पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि यही पीरियड था, मतलब ये यही पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे जो है रूलर्स आते हैं और वो इस तरीके से रूल करते हैं कि ना ही सिर्फ वो इंडिया के बाहर भी, आज जो हम कंट्रीज देखते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये जो एरियाज हैं कंट्रीज हैं जो पहले इंडिया में इन्वॉल्व भी नहीं थी, मतलब जो आज इंडिया में इन्वॉल्व नहीं है, दे आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ आर कंट्री। बट एक टाइम ऐसा था जब यही पीरियड के टाइम पे मुगल्स, तुगलक्स, चोलास, ये जो सारे रूलर्स आए थे ना, इन्होंने अपनी डायनेस्टीज इतनी फैला रखी थी कि इन्होंने सिर्फ इंडिया को नहीं, इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज जिन्हें हम आज कहते हैं उनको भी इन्होंने रूल किया था। तो काफी जो है बहुत बड़ा इनका कंट्रोल था। तो ये जो है देखो चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स के बारे में तो ना हम नेक्स्ट चैप्टर में और फिर अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये इसीलिए टॉपिक है कि आपको बता सके कि कैसे उनका रूल था, ऊपर ऊपर से आपको जो है बता सके, क्योंकि हम चेंजेस पढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर समझ लो, इस बुक के सारे चैप्टर के लिए एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इसीलिए हमें ये टॉपिक भी पढ़ना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। ओके, तो टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, मुगल्स एंड तुगलक्स एनकंपास्ड मैनी रीजन्स। ठीक है, तो क्यों तीनों के नाम दिए हैं, और भी तो रूलर्स हो सकते हैं, लेकिन और रूलर्स उस टाइम पे थे, लेकिन जो इन्होंने इस पीरियड में जो है तबाही मचा रखी थी और कह सकते हैं इतने सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में लाए थे, ये इसीलिए इनका नाम है ना मेंशन करके लिखा गया है कि ये कुछ रूलर्स है जिनके बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे। और इंडिया में एक वक्त ऐसा था कि चलो आगे आप पढ़ोगे कि चोलास ने तो जो है साउथ इंडिया को काफ़ी एक्सटेंड किया था, मतलब अपना रूल साउथ इंडिया में काफ़ी एक्सटेंड किया था, जिसको द्रविड़ भी कहा जाता था एंशियंट इंडिया में। तो अब देखिए चोलास ने है ना बहुत सारे इधर के ही एरियाज, इधर के रूलर से लड़के अपना किंगडम एक्सपांड किया था, और बहुत सारे आगे हम देखेंगे इन्वेंशंस भी लेके आए थे। अब आप थोड़े से अनॉय हो गए होंगे कि मैं बार बार सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर की भी बात कर रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि आपके चैप्टर में से क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो है आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे, तो आप उस चीज़ को पढ़ने से पहले ये आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ। और आपका जानना ज़रूरी है कि चोलास, आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ नाम के साथ, इसीलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा बोल देती हूँ कि इन्होंने अपना एक्सटेंड किया था कंट्रोल, और फिर मुगल्स और तुगलक्स ने तो काफ़ी नॉर्थ इंडिया को इतना ज़्यादा टाइम तक रूल किया और इतने एरियाज अपने कंट्रोल में लिए कि ना ही सिर्फ इंडिया के इंटीरियर में, जो नेबरिंग कंट्रीज थी ना उनको भी काफ़ी अपने कंट्रोल में रखा था। ठीक है, इसलिए उनका ज़्यादा मेंशन है। ओके, अभी ये कैसे पता चलता है कि इन्होंने इतने सारे एरियाज को कंट्रोल किया और हम मान जाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हिस्टोरियंस डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं ताकि वो स्टडी कर सके कि इस टाइम पीरियड में कौन से राजा ने रूल किया, कितने टाइम तक रूल किया और उन्होंने क्या क्या हासिल किया। तो वैसे एक और कह सकते हैं सोर्स है, उसका नाम प्रशस्ति है। अब प्रशस्ति एक मेटल प्लेट है, एक मेटल, जैसे आपने इंस्क्रिप्शन पढ़ा कि वो रॉक और मेटल पर लिखा जाता है, तो प्रशस्ति भी वैसे सिमिलरली मेटल प्लेट्स पर लिखा जाता था। किसके लिए लिखा जाता था?
रूलर्स के लिए लिखा जाता था कि उन्होंने क्या विक्ट्री हासिल की, कितने कितने एरिया को है ना अपने कंट्रोल में वो लेके आए और क्या क्या लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, ये सब चीज़ों के बारे में। तो वैसे ही एक प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत में किसके लिए, दिल्ली सुल्तान के गियासुद्दीन बालबन के लिए। गियासुद्दीन बालबन का भी आप आगे पढ़ोगे, इनके बारे में एक प्रशस्ति लिखी गई थी, ठीक है। अब वो मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इसे पता चले कि हमें कैसे पता चला इन सब रूलर्स ने इतने एरियाज को जो है रूल किया, वो इसीलिए क्योंकि हिस्टोरियंस ने सोर्स को रिफर किया, इसीलिए हमें पता चला कि इन्होंने इतने एरियाज को जो है रूल किया था और इतनी विक्ट्री और हासिल की, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन। तो गियासुद्दीन बालबन के लिए ये जो है प्रशस्ति में लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि उनका बहुत वास्ट एम्पायर था और जो कि कहाँ से स्ट्रेच करता था, बंगाल जो कि ईस्ट में टू अफगानिस्तान गजनी तक उनका जो है, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक उनका जो पूरा है रूल रहा करता था। और उस टाइम पीरियड में ये भी है कि जो बाकी के स्टेट्स थे महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश गुजरात ये सब एरियाज के जो रूलर थे उनसे डरते थे, उनके आर्मीज उनकी ये गियासुद्दीन बालबन की आर्मी को देख के भागते थे, ठीक है, इतना इनका जो है नाम था। अब हिस्टोरियंस इस चीज को बोलते हैं बहुत ही एग्जैजरेटेड क्लेम्स है, मतलब कि हिस्टोरियंस का मानना है कि चलो उन्होंने प्रशस्ति को रिफर तो किया, उन्होंने प्रशस्ति को पढ़ा और उसको एक रेफरेंस की तरह माना कि नहीं चलो ये इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये बहुत बड़ा चढ़ा के इन रूलर्स के बारे में लिखा गया है, जो कि काफी हद तक सही भी हो सकता है क्योंकि देखो उस टाइम पे ना आप जिंदा थे ना हम जिंदा है। आज हम जो फैक्ट्स हैं, जो गूगल पे आप कुछ फैक्ट्स देखते हो कि ये इस टाइम पे पैदा हुए थे, ये यहाँ गए थे, इन्होंने ये हासिल किया, हम तो सिर्फ उसी पर रिलाई कर सकते हैं, हमारे लिए और सबसे ज्यादा कह सकते हैं क्रेडिबल कोई सोर्स है ही नहीं क्योंकि हम गूगल यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, गूगल के द्वारा ही हम चीज़ हर चीज़ हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये हम तो हिस्टोरियन से बोलते हैं कि ये हम कैसे मान ले कि भाई इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हासिल की है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन की बात है कि भाई सोर्स लिखा और मान लिया। तो देखो यार आगे आप पढ़ोगे कि सोर्स भी ना ब्राह्मण लिखते थे इनके लिए, ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे वो इनके अंडर में काम करते थे, वही लिखते थे क्योंकि वही संस्कृत जानते थे और वो उनके लिए लिखते थे और बाकी बदले में जो रूलर्स थे उनको काफ़ी तोहफे देते थे। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने लड़ाइयाँ नहीं की, इन्होंने जीत नहीं हासिल की, ये बहुत नामी थे, बहुत फेमस थे उस टाइम पे, लेकिन ये जो बहुत सारे क्लेम्स किए ना कि ये भी हासिल किया वो भी हासिल किया, क्या पता इसे थोड़ा कम हासिल किया हो, लेकिन क्योंकि हम तो उस टाइम पे पैदा हुए ही नहीं थे ना, वो तो अपना जीत के चले गए भाई, तो उन्होंने उस पीरियड में जितना अपने आप को फेमस करना था वो तो कर ही लिए, ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है। बाकी तो मैं भी पास्ट में नहीं गई थी तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता। ओके, तो इतना आपने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं कि बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टाइम तक, ये जब टाइम था 700 CE के टाइम तक, इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स बनने लग गए थे, रीजन्स तो थे ही लेकिन वो कैसे बनने, मतलब प्रॉपरली बनने लग गए थे क्योंकि खुद की ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन हुआ करती थी, खुद की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होने लग गई थी कि नहीं। अब वो देखिए, अभी आपको थोड़ा नॉन रिलेटेबल साउंड करेगा बिकॉज आज इंडिया में जो है ना बहुत सारे स्टेट्स, मतलब सारे ही स्टेट्स हैं जिनके पास खुद की जो है एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सब उनका अलग अलग है, ठीक है, सब स्टेट्स अपने अपने तरीके से यूनिक है। लेकिन उस टाइम पे आप इमेजिन करिए जब धीरे धीरे जो है रीजन्स जो है, वैसे तो थे एरिया पॉपुलेशन तो थी लेकिन रीजन्स अलग हो रहे थे, बन रहे थे, तो उस टाइम पे से बहुत सारे रीजन्स थे जिनकी खुद की जो है लैंग्वेज कह सकते हैं खुद की बन गई थी कि हाँ भाई इस रीजन की लैंग्वेज है, ये रीजन यहाँ तक फैला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे और वो जो रीजन्स थे आप समझ लीजिए ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। अब उन सब रीजन्स जो हैं, उन सब रीजन्स को रूल करने वाले राजा भी थे, ये कहानी की तरह समझो यार, ये सारे रीजन्स हैं, अब उन सब रीजन्स को जो है रूल करने वाले कोई ना कोई डायनेस्टीज आ गई थी, तो दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद रूलिंग डायनेस्टी कि इसको ये रूल कर रहा है, इसको ये। लेकिन फिर टाइम आगे आता गया तो क्या देखने मिला कि देर वर कंसिडरेबली कंफ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स। अब देखो ये स्टेट, ये कोई ए रूलर ओन कर रहा है, ये कोई बी कर रहा है, ये कोई सी डी, ये रीजन को स्टेट समझो। अब ये जो स्टेट्स इनके बीच में होने लग गई थी लड़ाइयाँ, अब स्टार्टिंग से ही बोला था कि राजा जो थे हमेशा क्यों लड़ते थे, क्यों तो उनको एक पावर भी चाहिए थी और उनको वेल्थ भी चाहिए थी। आप हिस्ट्री में ये तो पढ़ोगे कि राजा के लड़ने का कारण जो है ना ये तो सेम ही रहता था, चाहे और एड ऑन ना हो जाए, मतलब आगे कारण और भी थे कि वो क्यों लड़ते थे, लेकिन ये दो तो फिक्स ही थे कि वो क्यों लड़ते थे, उनको पैसा चाहिए था, पावर चाहिए थी। अब वो पैसा तो चाहिए था, उनको खुद की जो है डायनेस्टी और बढ़ाने के लिए भी तो चाहिए होगा ना, ऐसे तो वो कोई
ऐसे कोई सुपर पावर तो नहीं है ना कि मतलब बैठे बैठे पूरी डायनेस्टी उनकी और इंक्रीज होती जा रही, पूरे इंडिया पे रूल कर रहे हैं। लड़ाइयाँ कर करके तो साफ किया ना, मतलब ये ए ने बी को हटाया, सी को हटाया, डी को हटाया, फिर ए पूरे ये पूरे इधर का राजा बन गया, यहाँ जहाँ तक मैंने ये लाइन खींची है, ठीक है। तो वो इसीलिए लड़ते थे, ठीक है। तो पहले स्टेट्स में जब लड़ाई होती थी तो जैसे जो जीतते थे वो फिर पूरे इन सभी रीजन्स को अपने में ले लेते थे। अब आप ये समझिए कि ये ए हो गए चोला, ये बी मुगल और ये सी तुगलक्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन सब रीजन्स को हरा दिया और ये जो तीनों हैं ये फैल गए अलग अलग जगह और इन्होंने इन सारे रीजन को जो है अपने अंडर कर लिया। अब ये बी ने भी अपने अंडर ये सारे रीजन कर लिए, ये ए ने भी अपने अंडर ये सारे रीजन कर लिए, सी ने भी अपने अंडर ये सारे रीजन कर लिए। तो इसीलिए कहा है कि देयर आर कंसिडरेबली कंफ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स एंड ओकेशनली डायनेस्टिक लाइक चोलाज, मुगल्स एंड तुगलक्स, उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, पैन रीजनल एम्पायर क्रिएट कर दिया। समझ आता है, जैसे पैन इंडिया होता है मतलब फुल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, वैसे इन्होंने पैन रीजनल एम्पायर, वर्ड को याद ही रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्होंने पैन रीजनल एम्पायर खड़ा कर दिया। पहले वो छोटे छोटे एम्पायर से उन्होंने शुरू किया था अपना, लेकिन उन्होंने पैन रीजनल कैसे कर दिया, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे स्टेट्स को हराया, बाकी सारे स्टेट्स को हराया, फिर धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया पे रूल करने लगे। इसलिए उसको बोलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं पैन रीजनल, ठीक है। स्टोरी देखो बहुत सिंपल है, छोटे छोटे रीजन्स बने थे, उनकी खुद की लैंग्वेज हुआ करती थी, खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती थी, ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शंस होते थे, मतलब खुद की बॉर्डर्स, खुद की लैंग्वेज, खुद की कल्चर, वो सब। फिर वो रीजन्स में ना राजा वाजा रूल करने आए थे, अब पता चला अच्छा इसको ये रूल कर रहा है, इस स्टेट को ये राजा रूल कर रहा है, दोनों राजा को पता चला आसपास है, लड़ लिया, लड़ गए, भिड़ गए। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स जो है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में लड़ाई हुई, अब जो ज़्यादा पावरफुल साबित होगा वो रूल कर गया पूरे देश पे, और वो उन्होंने क्या बना दिया, अपना पैन रीजनल एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल है, इसीलिए कब से चोलास, मुगल्स और तुगलक्स कह रही थी, क्योंकि इन तीनों ने ना पैन रीजनल एम्पायर अपना एस्टैब्लिश कर दिया था उस टाइम पे। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि मुगल्स और ये चोलास तुगलक्स ने रूल किया, काफ़ी टाइम तक रूल किया, पूरे पैन इंडिया को रूल किया, जिसको कहा जाता है पैन रीजनल एम्पायर। पर एक ऐसा भी टाइम आया जब इनका डाउनफॉल हुआ, खासकर मुगल्स का, मुगल्स ने काफ़ी टाइम तक रूल किया था, तो मुगल्स को एक टाइम पे जो है ये स्टेट भी देखना पड़ा कि अब उनका कहीं भी कंट्रोल नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो ये भी बहुत एंड में आप पढ़ोगे, तो ये कब हुआ था, कुछ 18th century के टाइम पे मुगल एम्पायर जो है ख़त्म होने आया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उस जगह को आप इमेजिन करिए, पहले वो जो इंडिया का जो मैंने बनाया था मैप यहाँ पे, उधर मैंने बोला था कि जैसे कुछ रीजन्स थे, अब उन रीजन्स पे रूल करने आ गए ये दो तीन जो है बड़े बड़े एम्पायर। अब जब वो एम्पायर, अब उनका रूल खत्म हो चुका है, तो आप कुछ उन स्टेट्स के बारे में सोचिए, उन रीजन्स के बारे में सोचिए जो पैन रीजनल रूल के अंडर में आ गए थे। अब वो जब अलग होंगे, अब वो अलग तो होंगे ना भाई, इतने टाइम से किसी के आप उसमें हो, किसी के कंट्रोल में हो, और अगर अब आपको आज़ादी मिल रही है, आपको आज़ादी मिल रहा है, खुश तो हो, अब आप रीमर्ज करोगे। पहले तो अब मर्ज हुए, मर्ज मतलब जैसे एक और दो स्टेट होके वो मर्ज हो गए, अब वो एक एक राजा के अंडर में वो एक जगह आ गई। अब वो राजा चला गया तो जो वो मर्ज हुए थे दो स्टेट, अब वो रीमर्ज हो गए, मतलब अब वो अलग अलग हो गए, और वो अब अलग अलग जैसे पहले थे, सबसे पहले थे वैसे वो हो गए। ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन 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 बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। बट क्योंकि इतने साल तक एक इम्पीरियल मतलब एक एम्पायर का रूल रहा है और पैन रीजनल रूल रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि इतने साल तक वो जोर जबरदस्ती और दबाव में थे, तो उसके बाद जब वो रीमर्ज हुए, जब उसके बाद वो जब छुट्टी होने लगे, खुलने लगे, तो उनका जो कैरेक्टर है, याद है पहले पढ़ा था कल्चरल कैरेक्टर, उनकी आइडेंटिटी, उनका ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन, ये सब ऑल्टर हो गया, ये सब ऑल्टर हो गया। क्योंकि यार आप इतने टाइम तक किसी के कब्जे में हो, और कब्जे में ही हुए क्योंकि आप रह तो रहे हो पर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी जो रीजन है उसकी जो एक आइडेंटिटी हुआ करती थी, अब तो वो नहीं रही, और अब आप उसे बनाओगे पर उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, आप फिर से अपने बैक टू जो कह सकते हैं पहले वाले स्टेट में आ गए, तो टाइम लगेगा। बट तब तक उनका वो सब ऑल्टर हो चुका था, ऑल्टर मतलब पूरा ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, उनके कैरेक्टर, वो रीजन का कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, वो सब बदल गया था, ठीक है। एंड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन
regions were left with legacies of the big and small states that had ruled over them. मतलब कि फिर subcontinent में हमें almost ऐसे सारे regions मिले जो re-merge हुए थे कि वो उनपे बहुत बड़ा impact रह गया था. Legacies मतलब उनपे एक बहुत बड़ा impact रह गया था वो सारे बड़े और छोटे states जो उनपे rule किया करते थे. अब देखिए आप ये मत भूलिए कि सारे ही states suppose Mughals ने ले लिए सारे ही. ऐसे और भी राजा थे तो जो Mughals के बाद Cholas के बाद Tughlaqs के बाद आए जिन्होंने भी continue किया rule करना और उन्होंने भी उतने ज़्यादा से ज़्यादा states को अपने under में लाना चाहा. तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि ये बिग और स्मॉल स्टेट्स जो थे उनका इतना जोर दबाव रहा इन सब छोटे छोटे रीजन्स पे जो पहले इंडिपेंडेंट थे, तो उन रीजन्स पे तब भी छुट्टी होने के बाद भी सॉरी फ्रीडम मिलने के बाद भी उन पे उतना ही इम्पैक्ट रहा और काफ़ी चीज़ें उनकी जो है ना ऑल्टर हो गई थी. उनके गवर्नेंस में चेंज मिला, उनके लॉज एंड पॉलिसीज जो है काफ़ी बदल गई थी, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई थी. मैं इसे रब करके आगे लिखती हूँ जो पॉइंट्स रह गए हैं. तो अभी जो हमने बात की थी ना कि ये बिग और स्मॉल स्टेट्स का काफ़ी इम्पैक्ट रहा था उन रीजन्स पे, तो दिस वाज पार्टली ट्रू इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड कल्चर. के कौन से बेसिस पे इम्पैक्ट रहा था? इन द रेल्म्स ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि जो किंगडम में एक गवर्नेंस चलती है, एक तरीका चलता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो रूल जब कर रहे थे, वो टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे ये मुगल्स चोलास तुगलक्स, तो उस टाइम का ये जो रूलिंग सिस्टम था वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा था. अब किने अब ये जो रीमर्ज होके रीजन्स आए हैं ना उन पे अभी भी काफ़ी उनका इम्पैक्ट रहा है और ये कह रहे हैं ऐसे कि इन पे इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रहा है, जो कि एक तरीके से गलत ही चीज़ हुई क्योंकि फ्रीडम अभी अभी उन्हें मिली थी पर फिर से वो उस चीज़ को जो है अब चेंज करना चाह रहे हैं, तो अभी हो नहीं रहा है, टाइम लगेगा. ठीक है, तुरंत से चेंज नहीं होगा. फिर उनके कल्चर में, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड लैंग्वेज में, ठीक है, जिस तरीके से पहले ये चीज़ें होती थी इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर एंड देन लैंग्वेज, अब ये सारी काफ़ी चीज़ें जो है ये दूसरे जो रीमर्ज होके रीजन्स आए हैं उन पर उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है. ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि ये जो 1000 ईयर्स का पीरियड रहा है 700 से लेके 1750 तक का, यहाँ ये जो रीजन्स है ये कभी भी दैट दे हैव नॉट ग्रू इन आइसोलेशन. इसका इस लाइन का मतलब ये है, ये टेक्स्ट बुक में जो लाइन लिखी है कि दे हैव नॉट ग्रू इन आइसोलेशन, इसका मतलब ये है कि वो रीजन्स कभी भी अलग नहीं हुए, अलग होके भी दे वर नेवर अवे फ्रॉम दोज रीजन्स. ठीक है, जिन्होंने इन पे काफ़ी इम्पैक्ट किया था, जिन्होंने इन पे काफ़ी रूल किया था वो इन सबसे कभी अलग नहीं हो पाए थे, क्योंकि भलाई आप जो है कोई चीज़ से दूर रहो लेकिन फिर भी आप उन चीज़ की नॉलेज तो रखते ही हो ना. ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि जहाँ आप उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो बट यू आर स्टिल अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, कि आपको पता है कि ये चीज़ हो रही है, तो वो जो रीजन्स है वो सेपरेट हो गए थे, वो रीमर्ज हो गए थे, तब भी वो उन चीज़ों के बारे में उनसे कॉन्टेक्ट में थे और काफ़ी चीज़ें अभी भी है ना उनके जैसे सेम होती थी. तो कुल मिला के यही बात है कि भलाई ये इनसे अलग हो गए तो भी इन पर एक इम्पैक्ट रहा और फिर भी इनकी जो डिस्टिंक्टिवनेस थी, इनकी जो डिस्टिंक्टिवनेस थी इन रीजन्स की, वो कभी पूरी तरीके से गायब नहीं हुई. ऐसा नहीं है कि रीजन्स कभी बदले ही नहीं, इनमें कुछ पॉजिटिव लुकआउट नहीं आया, ये पॉजिटिव तरीके से भी ग्रो करें बट काफ़ी जो है पास्ट की जो चीज़ें हैं जो इन पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा इन स्टेट्स पर, वो नेगेटिव और पॉजिटिव साबित हुआ. क्योंकि कभी कभी अब जैसे आप इंडिया को देखो, अगर आपको थोड़ा पता हो जो आप आगे भी 9th-10th में पढ़ोगे कि जब इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो उसके बाद भी ना कह सकते वो टाइम बहुत ही ख़राब था, बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज था, बट उसके बाद हमारे गवर्नमेंट के पैटर्न में हमारा जो गवर्नेंस है, जो इंडिपेंडेंस इंडिया का हम देखते हैं, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स ने जो गलतियाँ की थी उसके बाद जो सबक सीखा लीडर्स ने उससे इन्फ्लुएंस है. ठीक है, तो चीज़ें होती है लेकिन उनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लुकआउट होता है, दोनों इम्पैक्ट होता है. तो इसी के साथ जो है ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं. अब जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड रिलीजन, और फिर आई गेस दो टॉपिक है फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा. तब तक लिए अच्छे से पढ़िए के बाय.